कितना बीएसपी यहाँ पर इतनी मजबूत है देश में महाराष्ट्र में, और इधर साइड कितनी बीएसपी के परचम लहराते? क्योंकि महाराष्ट्र में बीएसपी आज मजबूत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक मजबूत विचारधारा है जो फुले शाह अम्बेडकर जो महापुरुष यहाँ पर हुए हैं महाराष्ट्र के, और आज तक ना सही लेकिन आने वाले समय में खासकर ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज और जो बहुजन समाज है और भी जो मानवतावाद की सोच रखते हैं, ऐसे सारे लोगों का जो विकल्प है और कहीं ना कहीं उनकी नज़र आज के तारीख में अगर कहीं है तो बहुजन समाज पार्टी में है। बहुजन समाज पार्टी एक्चुअल में ये पार्टी नहीं है जैसा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्या बिजनेस है, माल लगाओ माल कमाओ, वहां पर नेता जो है अपना लाइफ बनाते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है अपना लाइफ देता है, और वो लाइफ इस देश के जो दबे कुचले लोग हैं, जो इस देश में खासकर 85% लोग हैं जो एससी एसटी मुस्लिम भाईचारा जो है या आदिवासी जो लोग हैं, तो उनके जीवन उनको इस देश में बराबरी का हक मिले, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सारे लोगों को वोट का अधिकार है, और जब लोकतंत्र की जब इस देश में नींव रखी गई हमारे महापुरुषों द्वारा, और उस समय यह था कि इस देश की जो धन धरती है वो बराबर में सारे लोगों को बटे, संख्या के आधार पर बटे, लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी दुर्भाग्य यह है कि अभी जिस मध्य प्रदेश की अपन बात करेंगे, अभी मध्य प्रदेश में जा रहे हैं हम लोग, वहां पर ओबीसी 52% है, मुस्लिम वहां पर जो है 7.5% है, उसमें आदिवासी 20% है, एससी 20% है, और मुस्लिम से कम 7.5% जो है अपर कास्ट के लोग हैं, और उसके बावजूद भी कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टी अपर कास्ट की पार्टी है। तो ये जो अव्यवस्था है, ये जो गैर बराबरी है, वो तब हम बराबरी में या भाईचारा में तब्दील कर सकते हैं कि जब हम अपनी हमारे विचारधाराओं की, फुले शाह अम्बेडकर के विचारधाराओं की, तो उनकी सरकार लाएंगे तब, क्योंकि वो तो जो है किराए का घर वाला मामला है, वो हमारे लोगों की पार्टी नहीं, हमारे जो लोग वहां पर है ये गुलाम है, वो समाज के प्रतिनिधि नहीं है, वो अपने खुद के प्रतिनिधि है। बहुजन समाज पार्टी जो है ये देश का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग है, अपने घर परिवार को त्याग कर या अपने को लॉस कर। तो आज जो आज के इस दौर में महाराष्ट्र की आपने बात मुझे पूछी है, तो महाराष्ट्र में इतना जबरदस्त पोटेंशियल आने वाले समय में है, बस अभी भाईचारा बनाने की जरूरत है थोड़ा सा, और उसमें कहीं ना कहीं हम कम पड़ रहे हैं, मैं मानता हूँ उस चीज को। तो जाने वाले जो आने ना सही, लेकिन आने वाले समय में इस पर जरूर काम होगा। 15 साल में जो सरकार थी, कि बहुजनों को कुछ किया है या ओबीसी के लिए इस सरकार ने 15 साल? देखो सवाल 15 सालों का नहीं, सवाल 70 सालों का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो पार्टियां है इनकी नीति महत्वपूर्ण रहती है, पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, नीति महत्वपूर्ण रहती है, और उसकी उस वो पार्टियां अपनी नीति के अंतर्गत चलती है, और उनकी नीति क्या है कि मुट्ठी भर लोगों को इस देश पे राजा राज करना है और बाकी लोगों को गुलाम बना के रखना है। तो जो बहुजन समाज है वो उनको जो जानवर होता है उस नजर से देखा जाता है कि जानवर से हम जो घास फूस खिलाते हैं जानवरों को, वो जानवरों से प्यार करते इसलिए नहीं खिलाते, उनको दूसरे दिन धोना रहता है, गाड़े में झूपना रहता है, बैल बंडी में झूपना रहता है, इसलिए उनको खिलाते हैं। तो इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं खासकर 85%, उनको इस देश में बैल समझा जा रहा है। तो जब तक ये बहुजनों की सरकार नहीं आ जाती तो तब तक जो है इनका कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस बीजेपी एक ही बात की दो दुकान है, और इस देश में आम जनता की खासकर बहुजन समाज की हालत फुटबॉल जैसी है, इसने लात मारा तो उधर और उसने लात मारा तो उधर। देखो आम जनता की जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बुद्धिहार बनाने के लिए नहीं होते, इलेक्शन होते शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा के लिए होते, और यही जो है लोगों की मांग होनी चाहिए। लेकिन सोशल जो क्या बोलते हैं कि अनलिटरेसी है जो है, यह हमें पता नहीं कि लोकतंत्र क्या है, यह हमको लोकतंत्र के मायने क्या है ये पता नहीं होने की वजह से आज लोगों को भी लगता है कि भैया इसने ज्यादा पैसे दिए इसको वोट दे दो, उसने दारू दे दिया उसको वोट दे दो, तो ये अनलिटरेसी है। और जो बहुजन समाज पार्टी है इस देश में लिटरेट कर रही लोगों को, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ये पार्टी नहीं आंदोलन है,
पार्टी देखेंगे आप, एक रात में आएगी, एक रात में चली भी जाएगी। आंदोलन ना एक रात में आता ना एक रात में जाता। तो जो हजारों सालों की गुलामी का जो मामला है, ये पिछले माननीय कांशीराम साहब के समय जो महापुरुषों ने आंदोलन चलाया था, तो मैं समझता हूँ ये 20-25 साल का बच्चा है। ये जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आएगा, सोच आएगी, हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर से 10 रुपये लेके निकलता है। बाकी पार्टियों में ये होता है कि भैया कहाँ से मिलेगा, तो ये फर्क है। लेकिन लोगों को ईमानदार बनाने में बहुत समय लगता है, बेईमान बनाने के लिए क्या लगेगा। तो ये ईमानदारों की पार्टी है। अब काम करते समय बहुत सी चीज़ें आपस में होती है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है, कोई बात होती है, तो लोग उसको BSP समझते हैं। एक्चुअल में वो किसी नेता का इंटरनल कोई अगर उसका एबिलिटी है नहीं है, वो मामला है। लेकिन पार्टी बहुजन समाज पार्टी का पाक साफ कहना है या पाक साफ मानना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। भाई इस देश में जो है, जो भी आदमी है उसका भी इस देश पे उतना ही अधिकार है जितना टाटा बिरला अंबानी का है। तो इस देश की जो अव्यवस्था है, और वो चाहे आप कुछ भी कर लो बगैर सत्ता से नहीं हो सकता। और इसलिए क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि पॉलिटिक्स पावर इज द मास्टर की, तो वो मास्टर की जब तक आप अपने हाथ में नहीं लेते तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। कैमरामैन गौरव के साथ अल्फराज शेख, मध्य प्रदेश। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।